रोमांच और रहस्य। अगर आपको भूत प्रेतों की कहानियां अच्छी लगती हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। आपने जरूर कुछ डरावनी फिल्में देखी होंगी या भूत प्रेतों की ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जिनमें एक गुड़िया अपने आप चलने लगती है और बातें करती है और लोगों को मार देती है। कल्पना कीजिए, एक रात आप ऐसी ही फिल्म देखकर आए और बेडरूम में सो गए। बिस्तर के पास आपके बेटे की खिलौना कार पड़ी है। रात करीब 12 बजे वो कार अपने आप ही चलने लगती है। जाहिर है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपको वो देखी हुई फिल्म याद आने लगेगी। ये गुड़गांव की बात है। पूजा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ सेक्टर 56 में एक अपार्टमेंट में रहने आई थी। घर में उसका पहला दिन ही बड़ा अजीब बीता। उसने पहले दिन ही उस घर में कुछ अजीब अजीब होता देखा। एक दिन पूजा की माँ और उसका चचेरा भाई घर के अंदर थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ और भाई ने सोचा कि शायद पूजा आई होगी, लेकिन दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर एक रात को घर की बत्तियां अपने आप ही जलने और बंद होने लगी। खिड़कियों के पल्ले भी हवा में खुलने बंद होने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी किसी ने इन घटनाओं की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पूजा और उसके परिवार के लोग भूतों प्रेतों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। फिर एक शाम को वो बहुत ही अजीब घटना हो गई। पूजा की बेटी के पास एक रिमोट से चलने वाली कार थी। वो काफी बड़ी कार थी और एक बच्चा उस पर बैठकर आराम से सवारी भी कर सकता था। उस शाम को वो कार बाहर के बड़े हॉलनुमा कमरे में थी। अचानक ही वो कार अपने आप ही गोल गोल घूमने लगी। वो कार तो रिमोट से चलती थी और बंद होती थी, पर उस समय कार का रिमोट तो बेडरूम में था। उस रिमोट को घर के किसी भी सदस्य ने छुआ तक नहीं था। कुछ दिन के बाद बत्तियों का बंद होना और फिर जलना, खिड़कियों का खुलना बंद होना, दरवाजे पर दस्तक होना और कार का अपने आप ही चलना लगभग हर रात को ही होने लगा। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में परिवार ने वो घर छोड़ दिया। सही सही तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन कहते हैं कि गुड़गांव के उस अपार्टमेंट में कई वर्ष पहले दो लोगों की हत्या हुई थी और मरने वालों में खिलौनों से खेलने वाला एक बच्चा भी था। यकीन तो नहीं होता है, पर जब हमने वहां जाकर पूछताछ की तो यही बात सभी आस पड़ोस के लोगों ने बताई। आज के इस वैज्ञानिक रूप में यकीन नहीं होता इन बातों पर, लेकिन ये सत्य है कि उस घर में कोई भी किराएदार एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता है। अब आप माने या ना माने, वो घर भूत ग्रसित कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।